वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आई एम सरली एंड यू वॉचिंग सरली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मंथली अटेंडेंस शीट फॉर एम्प्लॉयज़ के हम एक्सेल में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं मंथली अटेंडेंस शीट। ये आज की डिजिटल स्किल हम सीखेंगे। इस स्किल्स को आप अपनी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अपनी एज अ फ्रीलांस सर्विस भी सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ये सैलरी शीट कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये मैं सारी डिज़ाइन आपके सामने करूँगा और साथ ये देखेंगे हम कि ये देखिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, उस फार्मूले में जैसे कि मैं इन टाइम इसमें टाइप करता हूँ 9 AM में एम्प्लॉय आता है और इसको छुट्टी हो रही है। लेट्स सपोज 5 PM में, तो 5 PM एंटर किया और देखे साथ ही उसके टोटल वर्किंग आवर्स आ गए, वर्किंग डे के हिसाब से पर डे के हिसाब से सैलरी आ गई और टोटल अमाउंट आ गया, फंड आ गया, पेमेंट अमाउंट अगर उसने कोई एडवांस लिया लेट्स सपोज 200 वो हमने माइनस किया तो वो डिटेक्ट हो गया। ये सारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यार आप चैनल पे आते हैं वीडियो को कंप्लीट देखा करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं ये पूरी डिज़ाइन करूँगा आपके सामने, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसको कम्प्लीट देखिएगा, आपको बहुत से न्यू फार्मूला सीखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं एक न्यू शीट डिज़ाइन कर लेता हूँ, न्यू शीट ले लेता हूँ। ठीक है, एज यूजुअल पेज सेटअप आपको पता है, A4 स्टैंडर्ड साइज चलता है, मार्जिन आप 0 रख लें नैरो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट टू लाइन स्किप करके, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन करूँगा शीट। ठीक है जी, आईडी नंबर नेम डिपार्टमेंट से है। ठीक है, साथ ही मैं इसका वर्किंग टाइम निकाल लूँगा, वर्किंग आवर निकाल लूँगा कि कितने घंटे काम करके, यानी कि किसी फैक्ट्री में 8 घंटे के हिसाब से सैलरी चार्ज होती है, 6 से 5 से जो वो आपने इस हिसाब से करना है। उससे भी पहले मैं एक सारी सेटिंग कर लेता हूँ। मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और साइज मैं इसका थोड़ा सा रख लेता हूँ 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ वर्कशीट का ताकि आपको आसानी हो दिखने में। ठीक है, ये आईडी नंबर आ गया। अब मैं यहाँ से इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मतलब सेटिंग में आ जाएगा, डिपार्ट वर्किंग टाइम ये आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मंथली सैलरी। इसकी मंथली सैलरी क्या है, मंथली सैलरी ये क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इन टाइम और आउट टाइम कब वो आ रहा है एम्प्लॉय और कब वो जा रहा है। इन टाइम आउट टाइम, ठीक है ये हो गया, और इसके नीचे मुझे यहाँ पे टाइम मेंशन करना पड़ेगा। लेट सपोज के वो 9 AM में आ रहा है जी और छुट्टी हो रही है 5 PM, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम चलता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी। अब मैं ये नीचे इसको सेलेक्ट करता हूँ दोनों सेल्स को, इसको मैं मर्ज सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा जिसमें मुझे ये टाइम कैलकुलेट हो जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम के कितने घंटे काम कर रहा है और कितना उसको चार्ज होगा। ठीक है जी, अब उसके लिए मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। वो फार्मूला होगा इज इक्वल टू इफ़, बाय द वे मैं ये फार्मूला सारे आपको बड़ी स्क्रीन में टाइप करके बता दूंगा, आपको ईजीली समझ आ जाएगा। इफ़ इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट से स्टार्ट करना, ठीक है, आउट टाइम माइनस इन टाइम ब्रैकेट क्लोज, इसको मल्टीप्लाई करना इनटू शिफ्ट प्रेस करके ये 8 के बटन पे स्टार का होता है साइन, ये मल्टीप्लाई के लिए शो कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स के हिसाब से होता है पूरे दिन में 24 आवर्स। ठीक है, इसको लेस देन 0 ताकि आपका कोई नेगेटिव माइनस में आंसर ना आए, फिर कॉमा, ठीक है, देन फिर 0
कॉमा, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन आउट टाइम माइनस इन टाइम, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 24 आवर्स, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए 8 घंटे का उसका ये हिसाब बनेगा। अब देख लेते हैं हम इसको क्या ये सही शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे उसको 9 की बजाय 10 करूँ तो देखिए 7 आवर बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे आउट टाइम उसका डिलीट कर दूँ तो अब देखें 0, इसका मतलब है नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई हो गया हमारा सही। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाए, ठीक है। इस सारे को मैं कलर कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले इस सेल का कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको कलर दे देता हूँ मैं, लेट्स सपोज लाइट ब्लू सा, टेक्स्चर कलर आ गया, सॉरी, ये आपने फिल करना है ये वाला, और इसको मैं कलर कर देता हूँ येलोइश कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया, और अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे ये यहाँ पे फर्स्ट टू लाइंस को मर्ज एंड सेंटर करके ये फर्स्ट डे हो गया, ठीक है ना। ये मतलब कि एक दिन का टाइम फर्स्ट डे का आ गया, कब वो आता है कब वो जाता है उसका टोटल टाइम हो गया। अब मुझे चाहिए ये पूरे मंथ के लिए अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा और इसको मैं 31 डेज के लिए मैं पूरी शीट बना रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करें और इसको 31 डेज तक ले जाएं। ये है जी आपको 31 डेज, ठीक है, यहाँ पे ला के देखिए 31 डेज तक आ गया, ये भी हो गया जी। अब ये मुझे फार्मूला सारा कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने एक दो फॉर्म अप्लाई कर दिया, मुझे सारा अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, इतना ये सारा सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से ड्रैग करके मैं उसको ले जाऊँगा 31 डेज तक कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए ऑटोमेटिकली सारे फार्मूला अप्लाई हो गया, सही है जी। अब हम कहीं पे भी चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी क्लिक करें, ये आपको देखिए उसका स्टेटस बार में फार्मूला शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया काम। अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है तो यार इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ, फॉर साथ साथ मैं इसकी डिज़ाइनिंग भी करता रहता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट किया था तो इसको सेलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये ठीक है, एडिटिंग्स और खूबसूरत होनी चाहिए साथ साथ। अब हम इस पर डेटा टाइप करते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको इसका डाटा टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज, उससे भी पहले मैं एक फार्मूला है यहाँ पे आईडी नंबर जनरेट कर लेते हैं, 101A 102B 103C, ठीक है, कोई भी आईडी नंबर, नेम लिख रहे हैं अली फाहद जैन, डिपार्टमेंट है अली, अली एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से है जी, लेट्स सपोज ये मैनेजर है और ये पैकिंग से है, ठीक है। वर्किंग टाइम इसका है जी 8 घंटे, ये 7 घंटे का काम करेगा, ये पैकिंग वाला 5 आवर्स का काम करता है जी। इसकी मंथली सैलरी है जी लेट्स सपोज 30,000, इसकी सैलरी 25,000, इसकी सैलरी 15,000, ये डाटा आपने टाइप कर दिया, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पे, और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं जो फार्मूला आपको चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे आके अब मुझे चाहिए क्या, टोटल वर्किंग टाइम भी कितने हैं वो काम करेगा, ठीक है जी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ टोटल वर्किंग टाइम, ठीक है जी, टोटल वर्किंग टाइम। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे।
टोटल वर्किंग टाइम के बाद क्या चाहिए मुझे जी, टोटल वर्किंग डे, ठीक है जी, टोटल वर्किंग डे, इसको भी रैप टेस्ट करें। टोटल वर्किंग डे के बाद हमने लिखना है जी टोटल मतलब अमाउंट कितनी बनेगी सैलरी की, और उसमें से अगर आपने कोई एडवांस भी है तो वो डिडक्ट कर लें, एडवांस प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है जी, प्रोविडेंट फंड है लेट सपोज 10% है, ठीक है, कईयों में ये फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ इतना करने के बाद फिर मुझे चाहिए पे अमाउंट कि मैंने कितना उसको उसकी बनेगी सैलरी या कितनी अमाउंट उसको हमने पे करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, अब मुझको यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल वर्किंग टाइम मुझे निकालना पड़ेगा कितना टाइम है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है जी, इज इक्वल टू सम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, अब जितना भी टाइम है ना ये सारा इसको सबको मुझे सम करना पड़ेगा, ये करके आपने ड्रैग करना है क्योंकि शीट बड़ी है इसलिए ड्रैग करना पड़ेगा, हमें ये सेलेक्ट किया मतलब इसको यहाँ से ये है जी, ये पूरा जो तो है ना 31 days का टाइम वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ का, और कर देनी है ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है जी। अब ये ज़ीरो शो कर रहा है क्योंकि अभी तो डाटा कोई नहीं ना इसमें है, तो इस वजह से ये शो कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्किंग टाइम ये आ गया, अब हम इसमें कोई डाटा टाइप करेंगे तो फिर उसके मुताबिक ये फार्मूला, मैं पहले सारे फार्मूले अप्लाई कर लूँ, लेट सपोज यहाँ से ये आता है जी 9 AM, सॉरी ये आउट टाइम में आ गया, आउट टाइम इसको कंट्रोल एक्स करके मैं इन टाइम में पेश कर लेता हूँ, कंट्रोल जी ये आ गया यहाँ पे 9 आउट टाइम, और यहाँ पे इसको मैं PM बना लेता हूँ ना, रिवर्स हो गया 5 PM, ठीक है, और इन टाइम आ रहा है उसका 9 AM, तो ये 8 hours आ गया, ठीक है, ये 8 hours यहाँ पे आ गया, और देखिए यहाँ पे भी टोटल वर्किंग आवर 8 है, इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है। अगर आप चेंजिंग करें या यहाँ पे 5 की बजाय अगर आप 4 करें तो देखिए 7 hours, ठीक है, ये भी फार्मूला सही अप्लाई हो रहा है, ये भी फार्मूला सही अप्लाई हो रहा है। अब ये तो आ गया टोटल वर्किंग टाइम, अब मुझे चाहिए टोटल वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे मतलब कितने दिनों के हिसाब से मुझे इसका चाहिए, इज इक्वल टू, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल टाइम को डिवाइड करूँगा मतलब टोटल टाइम वर्किंग टाइम से, तो उसके लिए मुझे वर्किंग टाइम भी चाहिए ना, मैंने पीछे टाइप किया हुआ इसका डेटे में शायद नहीं किया टाइप, हाँ किया हुआ वर्किंग टाइम, ठीक है। अब मैं इसको इसके टाइम के हिसाब से इसका फार्मूला बनेगा, सॉरी फार्मूला मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, फार्मूला इज इक्वल टू टोटल वर्किंग टाइम बाय इक्वल टोटल टाइम, ये जो टोटल टाइम आया ये इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये डिवाइड का साइन, मैं इसको वर्किंग टाइम से डिवाइड करूँगा इसके, तो वर्किंग टाइम के लिए मुझे जहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा इसका वर्किंग टाइम मैंने क्या दिया है जी 8 hours से, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे आके मैं एंटर कर दूँगा। अब ये देखिए इसका वर्किंग डे बन रहा है 0.75, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ तो एग्जैक्ट आ जाएगा, जैसे 4 है ना 4 PM था ना, मैं इसको 5 PM करता हूँ, तो 8 hours के हिसाब से ये देखो पर डे उसका 1 दिन के हिसाब से ये आ गया, ठीक है। अब मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट के लिए सैलरी उसकी कितनी सैलरी बन रही है, ठीक है, उसका क्या फार्मूला बनेगा, अमाउंट के लिए सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना वर्किंग डे से, यानी कि इक्वल टू सैलरी, सैलरी जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ये है इसकी सैलरी मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डे, वर्किंग डे यानी कि पर डे के हिसाब से, ये है जो वर्किंग डे, ठीक है जी, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इनटू 26 days हैं, ठीक है, क्योंकि 4 छुट्टियां आ जाती हैं मंथ में, तो ये आपके हिसाब से 30 days 28 days मोस्टली क्या है 4 holidays होते हैं, तो उसके हिसाब से ये उसकी अमाउंट बनेगी पर डे के हिसाब से 1153 रुपये। अब ये देखिए ये डिजिट में आ रहा है, इसको आप यहाँ से ये देखें, ये है जी डिक्रीज डेसिमल्स में
करेंगे कन्वर्ट तो ये इतना आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके इसको साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने लेट सपोज उसका कोई एडवांस होगा तो वो आप कर लेंगे, फ़ंड है तो वो आप कर लेंगे एडवांस। लेट सपोज उसने जी 500 एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने टाइप कर लिया। अब फंड कैसे, फंड उसका फंड फाइंड आउट करना है कि फ़ंड उसके कैसे है, तो उसके लिए क्या फार्मूला जी, इक्वल टू जो उसकी अमाउंट बन रही है ये, ठीक है ना, ये सैलरी अमाउंट, ये जो अमाउंट बन रही है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें शिफ्ट 8 के साथ और 10% के साथ इसको करें, तो 10% के साथ इसका जी प्रोविडेंट फंड 115 रुपये चार्ज होगा। अब पे अमाउंट क्या बनेगी, तो पे अमाउंट में सिंपल सी है जी, इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूँ, फार्मूला लंबा पूरा नहीं आना है। यहाँ पे सैलरी के लिए क्या फार्मूला बनेगा, इज इक्वल टू सैलरी मीन्स ये जो अमाउंट है ये अमाउंट माइनस जो एडवांस उसने लिया हुआ है वो, माइनस जो फंड है वो, और एंटर। ये हमने उसको 538 रुपये पे करने, ये उसकी पर डे की सैलरी बनी थी, उसमें से उसने एडवांस ये ले लिया, उसका प्रोविडेंट फंड ये चार्ज हुआ और ये माइनस करके उसके पास ये आया, ये पर डे के हिसाब से आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अब जितना मर्जी डाटा, जिसका मर्जी डाटा और जो से मर्जी फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे ये चाहिए 30 डेज के लिए। अब मैं थोड़ी सी इसके साथ साथ सेटिंग और डिज़ाइनिंग भी कर लूँ ताकि ये अमाउंट यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि ड्रैग करके साइज छोटा कर लें। पहले मैंने इसलिए किया था ताकि फार्मूला पूरा आ जाए, ये अमाउंट आ गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ से स्टार्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको उसकी हेडिंग देता हूँ कि क्या सैलरी है, ये क्या चीज़ सारा मंथली अटेंडेंस शीट, ठीक है, और वो यहाँ से मैं इसको इतना सेलेक्ट करके मर्चेंट सेंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मंथली अटेंडेंस शीट फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, इसका साइज रख ले जितना आपको सूट करता है, आप अपने हिसाब से ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और इसका साइज, इसका फॉन्ट कलर ये पसंद है मुझे, ये रख लेता हूँ। यहाँ से फिर इसको मर्चेंट सेंटर कर देते हैं और मर्चेंट सेंटर और यहाँ पे मंथ टाइप कर लेते हैं जी, फरवरी 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 का मंथ है, इसका क्या 24 साइज है, इसका भी 24 रख लेते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और इसका भी कलर यही दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया, रेडी हो गई। अब मैं नेक्स्ट, अब आप यहाँ से आएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे ये सारा मैंने अपने ये फार्मूलाज मैंने अप्लाई करने हैं अपने पूरे एम्प्लॉय, जितना आपने बनाना है मतलब 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 200 एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझको यहाँ से लेके ये ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ तक। ये देखिएगा, ये फार्मूलाज हैं आपके यहाँ तक, ये सेलेक्ट हो गया, इतना सेलेक्ट करके अब यहाँ से इसको ड्रैग करें, जितना आपका डेटा है, जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक, जितनी शीट आपने बनानी है, ये लेट्स सपोज ये देखें, ये सारा ऑटोमेटिकली देखिए खुद ब खुद ये जनरेट हो गया। देखिए अगर मैं साइज़ इसका छोटा करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये शीट आपकी रेडी हो गई पूरे 100 एम्प्लॉय 39 एम्प्लॉयज़ के लिए पूरे मंथ के लिए फरवरी का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें इशू है, वो एडिटिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज के ये है जी, ये मैंने डायल किया है, ये फॉर्मल अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये सारे। अब आप क्या चाह रहे हो कि ये देखिए, ये अब आपने ये ड्रैग किया फार्मूला तो देखिए ये जो एरर दे रहे हैं, ये एरर ना आए तो उसका भी सलूशन है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इफ़ एरर की, आप यहाँ पे इफ़ एरर का फार्मूला लगा के ये एरर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि ये देखिए क्या ये आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ीरो है,
ये जीरोस ये ना आए, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए इसको सेलेक्ट करिएगा, लेट्स सपोज अब मैं ये सारा यहाँ से ये आप ये हाइड करना चाह रहे हो ना, ये जीरो, ये जीरो सॉरी ये वाला जीरो की लाइन ये सेलेक्ट की, ये सेलेक्ट की और इसको राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया, ये देखिए हाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आप सारे हाइड कर सकते हैं, सही है। अच्छा अब ये आप एरर आ रहे हैं, इन एरर को रिमूव करना है, सही है। तो एरर को कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे ये जो फार्मूला है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसके फार्मूले में इफ़ एरर का फार्मूला लगा लेता तो ये नहीं था होना, लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए अब यहाँ पे मैं फार्मूला बार में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और इसके लास्ट पे जाके कॉमा देन शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और देखिए एंटर और ये देखिए एरर रिमूव हो गया। अब मुझे बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ड्रैग करें और ये देखिएगा कोई एरर नहीं होगा। इस तरह ये सारे एरर ख़त्म किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ ये देखिए ज़ीरो आ गया, ठीक है, कोई डाटा नहीं है। इस तरह ये भी रिमूव कोई डाटा नहीं, ये सारे को आप ऐसे करके ये ऐसे पैक्स पे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, ये कोई डाटा नहीं आएगा। अब यहाँ पे इस तरह आप सारी अटेंडेंस शीट अपने रेडी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप इसको सारे को कर सकते हैं। तो अब देखिएगा अगर ये मेरा एम्प्लॉय है, अगर मैं इसका इन और आउट टाइम करूँगा सिर्फ मुझे वही मेंशन करना होगा। देखा होगा यहाँ पे मैंने एडवांस लगाया हुआ है ना, ये देखिए सब एडवांस, अब ये एडवांस यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी एडवांस डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अगर ये फेरर का फार्मूला फिर समझना है तो मैं वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा या टाइम बोर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे एक फार्मूला इफ़ एरर का फार्मूला आपको सिखा के और वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और इसके एंड पे चले जाएं और इस पे कॉमा शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट के साथ ये भी एरर फिनिश, ठीक है। अब इस तरह आप सारे एरर्स रिमूव कर सकते हैं। और अब ये देखिए मैं आपको ये सिखाना चाहता था, ये डाटा आपने एम्प्लॉय का डाटा बस आपने इन टाइम और आउट टाइम टाइप करना है और देखिएगा ये सारी चीज़ें रेडी है। देखिए 9 AM को आपका एम्प्लॉय आ रहा है और उसने छुट्टी की है 5 पे, ठीक है, 8 आवर्स आ गया, 8 आवर्स का सब उसका सैलरी आ गया। अगर जैसे सैलरी का 1038, अगर उसने एडवांस लिया है 500 वो भी लग डाला और ये देखिए सारी आपके सामने ये अमाउंट चेंज होगी। तो इस तरह आप एक मंथली सैलरी ऑटोमेटिक मंथली सैलरी शीट अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रेडी कर सकते हैं, जिससे आप उसकी सैलरी भी निकाल सकते हैं, वर्किंग आवर्स वर्किंग टाइम्स और ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें आप अपनी एक्सेल की स्किल को डिजिटल स्किल को इन्हेंस कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।